आज हम आलू के पापड़ बनाएंगे, लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आलू के पापड़ बनाने के लिए हमें आलू को उबाल लेना है। आलू उबलने के बाद हम उसके छिलके निकाल कर आलू को स्मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे से स्मैश करके स्मूथ बनाना है। आलू अच्छे से स्मैश हो गए हैं। हम इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डालेंगे। काली मिर्च के हम पाउडर बना लेंगे। इस आलू के मिक्सचर में हम स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और आटे की तरह गूंदना है। अब हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। हम आलू के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे और इस तरह से हमें उंगली से दबाते हुए गोल गोल शेप में पापड़ बनाने हैं। अब हमारा पापड़ तैयार हो गया है। हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से पापड़ को प्रेस कर ले। हम चाहे तो बेलन से भी पापड़ बेल सकते हैं। इसी तरह से हमें सारे पापड़ बना लेने हैं। अब हमारे पापड़ तैयार हो गए हैं। हम इन्हें 2 दिन के लिए धूप में सुखा लेंगे। हमें पापड़ को दोनों साइड से सुखाना है। पापड़ सूखने के बाद इस तरह दिखेंगे। अब हम इन्हें पलट लेंगे और फिर से सुखाने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये पापड़ हम 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दो दिन सूखने के बाद पापड़ इस तरह से दिखेंगे। अब हम इसको फ्राई करके देखेंगे। आलू के पापड़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये 5 से 10 सेकंड में फ्राई हो जाते हैं। अब हमने पापड़ को फ्राई कर लिया है। आप तेल या घी में फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब